जोहार दोस्तों, नमस्कार। आज का हमारा रेस्क्यू कॉल जो है गोधर, कौन सा जगह पे गोधर? गोधर वाटरबोर्ड कॉलोनी। गोधर वाटरबोर्ड कॉलोनी। भाई साहब ने इनके सूचना पर हम आए हुए, क्या सुनना मांगते हैं? मोहम्मद जाकिर हुसैन। देखिए कितना अच्छा सोच है, ये घर में सांप घुसा है, उन्हें हमें रेस्क्यू करने के लिए बुलाया है। क्योंकि सांप एक बेजुबान जानवर है, वो सिर्फ अपने खाने के चक्कर में लोगों के घर में घुसते हैं। तो सांप कभी मत मारिए, ऐसे भी ये सांप हमारे पर्यावरण मित्र है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए अंत तक, पहले रेस्क्यू करते हैं सांप को, फिर जानकारी देंगे कौन सा सांप है कौन सा नहीं, उसके बाद हम उसको पर्यावरण रिलीज करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो में। तो फाइनली फ्रेंड्स, सांप हमें नजर आ चुका है। चलिए तो कैमरा बंद थोड़ा सामने ही, फोकस करो। तो चलिए फिलहाल इसको हम लोग निकालते हैं, निकालने के बाद इसके बारे में जानकारी देकर आप सब रूबरू होंगे। वीडियो में बने रहे। काफ़ी बिग साइज में दोस्तों, आप इसके ताकत के बारे में आप नहीं जानते, ये इसको बहुत ज़्यादा ताकतवर सांप है। चलिए फिर इसको फर्स्ट बंद करते हैं। बिग साइज में है और ये ब्लैक में है। देखिए किस तरह से मेरे पैर में फंसा हुआ है। चलिए आप लोग बाहर चलिए, तू पीछे आ जाओ, इधर आ जाओ, आराम से चलिए। नहीं आ जाओ, डंडा उंडा लगाए थे क्या भगाने के लिए? कि पड़ा दिए थे? नहीं नहीं नहीं, मारने नहीं, 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 नहीं। देखिए गर्म लगा दीजिए इसको, पंखा चलेगा, ऊपर लगता है असर होगा। रुक जा, कौन सी गिरा है वो पेन? फाइनली रेस्क्यू हो चुका है दोस्तों। ये इंडियन रेड स्नेक है और जिसको हम लोग धामन के नाम से जानते हैं, और ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है, लेकिन गुस्सा होने पर काटता बोर से जोर से है। और इसका मुंह में जो दांत होते हैं वो पीछे की तरफ मुड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इसके दांत होते हैं। और ये अगर दांत गड़ा दे तो आपका ब्लड आना शुरू हो जाता है। हालाँकि डरने का उसमें बात नहीं है, लेकिन आपको एक मेडिकल जा करके टीटी का इंजेक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये लोग चूहा हुआ नाले में रहता है, जो वो सब चीज़ खाता है, मुँह में बैक्टीरिया रहता है, इसलिए आपको जख्म नासूर ना बने, इसलिए टीटी इंजेक्शन लेना पड़ता है। तो भैया के सूचना पर आकर के हम गोधर में रेस्क्यू किए, तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं। चूँकि एक बेजबान प्राणी है, इसको मारा नहीं जाता है। इस तरह से आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है डिस्को स्नेक 2.0। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सांपों से जुड़ी जानकारियाँ जो हमारे नए नए होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। कितना बजे गुस्सा आता था? 6 बजे सुबह बताइए, 6:30 बजे, 2 घंटा इनका मानना है 6:30 बजे घुसा था। सांप एक बार आपको नज़र जरूर आएगा। तो चलिए रेस्क्यू हो गया है, इसको हम लोग पैक करेंगे और उसके बाद इसको तुरंत जो हम लोग पर्यावरण में रिलीज करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसी तरह से आप आसपास में जो है नंबर दे दीजिएगा, सांप किसी को मारने मत दीजिएगा।
आपका कौन बैनर यहाँ बना देते हैं? नहीं बोलिएगा तो हम दे देंगे, लगा दीजिएगा, ऐसा दिक्कत नहीं है। डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, कभी भी अगर रात बिरात 24 घंटा अवेलेबल है कभी भी आप हमको फ़ोन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से बांध लिया है, बहुत ही मजबूत और ताकतवर सांप होते हैं और इंडिया का सबसे तेज दौड़ने वाला सांप इंडियन रेड स्नेक, साउथ अफ्रीका का ब्लैक मांबा, उसके बाद ये इंडियन रेड स्नेक हम नाम से जानते हैं। ये चूहा पक्षी अंडा ये सब खाने में माहिर है, वही सब खाने के लिए जो है ये लोगों के घर में घुस जाते हैं। तो चलिए जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों अभी अभी भाई साहब ने बताया ये सांप जो है गाय का पैर को छान करके दूध पी जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वर्ल्ड का कोई भी सांप दूध को पी करके हजम नहीं कर सकता। जैसे कि नागपंचमी में सफेद लोग लेकर के आते हैं बहुत कुछ को दूध पिलाते हैं और सांप पीता भी है, लेकिन 4-5 दिन के बाद उसको दस्त होगा, निमोनिया होगा, बुखार होगा और सांप 5 से 1 तक अंदर में जो है उसका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि सांप के पेट में दूध पचाने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए सांप को कभी दूध ना पिलाए, दूध पिलाने से उसकी मौत हो जाती है, ये आप जानकारी रखिए। सांप कभी दूध को हजम नहीं कर सकता, ये अंधविश्वास है। क्या निकाला मुंह से देखिए आपको पैर के पास? कुछ नहीं, इसको उल्टी हुआ, आप जो उतना क्या क्या नहीं वहाँ पर डाल दिया। अच्छा क्योंकि कार्बोलिक एसिड नहीं रहेगा, कार्बोलिक एसिड बहुत ही खतरनाक एसिड है सांप के लिए। देख लिए इसको, देखिए हम लोग का क्या, हम लोग का ट्रेनिंग क्या हुआ है, हम लोग अंदाज लगा लेते हैं कि सांप कहाँ छुप सकता है। अच्छा हाँ, क्या बोले कार्बोलिक एसिड? हाँ वो बहुत डेंजर है सांप के लिए, उसमें अगर पड़ जाएगा ना तो सांप कर दिया क्या वहाँ पोटी करवाए। और दूसरा बात, इसके बारे में बहुत सारा एक और अंधविश्वास है, इसके पूंछ में जहर होता है, मुंह में नहीं, सांप में बिल्कुल 0% भी जहर नहीं होता है। बहुत कोई बोलता है कि सांप पूंछ से अगर मार देगा आपका शरीर में तो शरीर में गले लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा अंधविश्वास है। अंधविश्वास में ना रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।